तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग पार्ट टू देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पार्ट फर्स्ट दे चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो चाहिए वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, वीडियो को फास्ट कैसे करें, वीडियो को स्लो मोशन में कैसे चलाएं, वीडियो पर सब्सक्राइब बटन कैसे लगाएं और कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे रहे वीडियो में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में आई हुई बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना साइज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना वीडियो ले लेना है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो, आप देख लीजिए ये है हमारा वीडियो। तो हम पहले फास्ट करना सीखेंगे, उसके इस वीडियो का जितना पार्ट आपको स्लो या फास्ट करना है उतने वीडियो को पहले कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए सिंपली क्या करना है, इस वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद कैंची पर क्लिक करना है। कैंची पर क्लिक करने के बाद ये तीसरे नंबर वाला जो कैंची है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब मान लीजिए और यहाँ से पार्ट को, तो इसके लिए भी सिंपली वहीं से कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा वीडियो तीन पार्ट में बन चुका है। तो मैं इस बीच वाले वीडियो को, तो इसके लिए क्या करना है, स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है स्पीड, स्पीड वाले पर क्लिक करेंगे और जाएंगे तो स्लो होगा वीडियो और इधर ले जाएंगे तो फास्ट होगा। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं 1.5 करने के बाद सही पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद वीडियो हम प्ले करके देखेंगे। ये हमारा बंदा कुछ इस तरह जा रहा है और जैसे ही जितना वीडियो हमने फास्ट लिया है आप देखिएगा कुछ तेज़ चला कि नहीं। और तेज़ आप चलाना चाहते हैं तो स्पीड पर क्लिक करिए और इसको और तेज़ कर दीजिए। अब देखिए तो कुछ फ़र्क आपको ज़रूर पता चल गया होगा। और अब इस वीडियो को स्लो मोशन में करके देखना चाहते हैं, चलिए इसको हम स्लो कर देते हैं, 0.5 स्लो कर देते हैं। तो अब प्ले करके देख लेते हैं। अब तक तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे वीडियो को फास्ट और वीडियो को स्लो करते हैं। चलिए अब इस टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि अपने वीडियो पर सब्सक्राइब बटन कैसे लगाएं। सब्सक्राइब बटन लगाने के लिए अभी मैं आपको बता देता हूं, पहले मेरा मेन स्पीड था उतना कर लूँ। उतना करने के बाद अब मैं आपको सब्सक्राइब बटन लगाने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। सब्सक्राइब बटन लगाने के लिए जहाँ भी इस वीडियो में आपको सब्सक्राइब बटन लगाना है वहाँ पर क्लिक करिए। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर जाइए। पर जाने के बाद आपने अपना सब्सक्राइब बटन जहाँ कहीं भी रखा है उसे ले लीजिए। तो सब्सक्राइब बटन लेने के बाद अब आपको पहले तो इसे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है क्रोमा की, क्रोमा की पर आपको क्लिक करना है। क्रोमा की पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल करना है और क्रोमा की को राइट वाले पर क्लिक कर देना है। अब ये आपको अगर बीच में रखना है तो बीच में रखिए, नहीं तो किनारे पर रखना है तो आप इसे किनारे पर भी रख सकते हैं। जहाँ आपकी मर्जी वहाँ रखिए, जितना छोटा जितना बड़ा मन मर्जी उतना बड़ा उतना छोटा रखिए, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर ला के रख दीजिए। अब वीडियो को प्ले करके हम देखते हैं कि किस तरह चलता है। अगर आपको यहाँ पर कोई पार्ट कट वाले पार्ट को आपको इफेक्ट लगाना है तो इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ आपको जो भी इफेक्ट लगाना है उस पर क्लिक कर लीजिए। तो मान लीजिए हमने ये वाला इफेक्ट लगाने के बाद अब आप स्पीड कितना इसका है रखना है उतना रख लीजिए, जितनी मर्जी उतना स्पीड रख लीजिए। और आप फिर यहाँ से प्ले करके देख लीजिए, जैसे ही आप प्ले करेंगे तो आपको कुछ टाइप होगा। और आप यहां चाहें तो अलग से भी इसका इफेक्ट लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसका भी स्पीड कम बेसी कर सकते हैं और यहां से सही पर क्लिक कर सकते हैं। कितना बढ़िया इसका इफेक्ट आ रहा है।
और भी इफेक्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है गेट मोर। गेट मोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इफेक्ट खुल जाएंगे। ध्यान रहे कि आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से कोई इफेक्ट डाउनलोड करके लगा के दिखा देते हैं। ये हमारा इंस्टॉलेड हो गया। अब इसे बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इंस्टॉल हो गया। देखिए जूम इन आउट के नाम से है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ढेरों सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप इनमें से जिसको चाहें उसको सेलेक्ट करिए, उस टाइप आपका ये इफेक्ट करेगा। तो एक बार प्ले करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसा इसका इफेक्ट है। तो चलिए देख ही लेते हैं। तो वाओ दोस्तों, कितना बढ़िया लगा। वीडियो एडिट कर सकते हैं आप अपने काइंड मास्टर से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।